अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। बस हम लोगों ने खाना खाया, थोड़ा सा रेस्ट किया और निकले हम लोग वाइट रॉक पे। ये आपको सामने समंदर नज़र आ रहा है वाइट रॉक पेयर का, और ये हम लोग जा रहे हैं ऊपर से नीचे। बहुत ही स्टीप रोड थी, इतनी ज़्यादा स्टीप थी कि ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग फिसल जाएंगे नीचे। यहाँ पे आके महसूस हुआ वी आर नॉट सफर, वी आर सफरिंग। उम्मीद है आप लोगों ने मेरा सफ़र इंजॉय किया होगा, और अब हम लोग पहुंच गए हैं वाइट रॉक पेयर के वाटर फ्रंट पे। बहुत ही खूबसूरत जगह थी, मुझे कराची याद आ गया ये जगह देख के। जैसे कि बोट बेसन पे शॉप्स हैं, अगर जो कराची वाले देख रहे हैं अगर उनको याद होगा पता, बोट बेसन की शॉप्स और सामने जो समंदर का जो पूरा पार्क है बना हुआ, ओ आई लव दैट प्लेस। हमेशा हम लोग सुबह नाश्ते के लिए वहाँ जाते थे वीकेंड्स के ऊपर, तो मुझे वो जगह इतना मिस करती हूँ मैं, तो आई लव कराची। तो मुझे हर जगह कराची को की स्मेल और कराची की चीज़ें ढूंढने की मैं कोशिश करती हूँ जहाँ पे ज़रा सी भी रिजेम्बलेंस नज़र आ जाए। तो मुझे वैंकूवर में कराची की बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस फील होती है। शायद एक वजह ये है कि कराची इज़ आल्सो अ पोर्ट सिटी, वहाँ पे पोर्ट है, समंदर है, तो और यहाँ पे भी वही बात है। तो शायद उसकी स्मेल या उसकी खुशबू या वहाँ की मिट्टी, उसकी मुझे स्मेल जो है वो मुझे कराची की याद दिलाती है यहाँ की। और दूसरी बात ये है कि हम लोग जैसे कराची में थे तो वहाँ पे जो रश था और एक जो हैपनिंग प्लेस थी, रातों को जागना, रात के 12-12 बजे तक आप रेस्टोरेंट में बैठे होते थे और बातें करते रहते थे, और समंदर के किनारे हम लोग बैठे रहते थे, बिल्कुल यहाँ भी ऐसे है। आप आगे मेरी वीडियोज़ में देखिएगा कि हम लोग रात को 11 बजे तक 12 बजे तक हम लोग समंदर के किनारे बैठे रहते थे, और सिर्फ हम लोग अकेले नहीं होते थे, बहुत लोग और भी होते थे। तो इट्स अ हैपनिंग प्लेस, इज अ सिटी मे बी, इट्स अ बिग सिटी, दैट्स वाई। ये वाइट रॉक कैनियन का एंट्रेंस है, दिस इज द कैनेडाज लॉन्गेस्ट पेयर, लॉन्गेस्ट लिखा है तो होगा यकीनन। वाइट रॉक पेयर इसको इस वजह से कहते हैं कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पत्थर है रखा हुआ शोर पे जो कि वाइट कलर का है, तो इसकी वजह से इसको वाइट रॉक पेयर कहा जाता है।
अब हम लोग वापसी की तरफ जा रहे हैं। शाम का वक्त है, सनसेट देखिए किस कदर खूबसूरत महसूस हो रहा है। लोग आ रहे हैं इस वक्त, और ज़्यादा रश बढ़ता जा रहा है। रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं अभी भी, और अगर मैं अभी एडमिंटन में होती तो इस वक्त एडमिंटन में सारे रेस्टोरेंट्स 9 बजे बंद हो जाते हैं और लोग अपने घरों की तरफ वापस चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सब लोग आ रहे हैं, सब लोग बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और अगर यह देखिए आगे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं, जहाँ पे हम लोग अपना वेजी खाना तो खा ही सकते हैं, वेजिटेरियन जो है। सी फूड भी हम लोग ले सकते हैं, फिश एंड चिप्स हैं, या सी फूड भी हम लोग खा सकते हैं। वेजी ऑप्शन भी हम लोगों के लिए है। इंडिया चाट हाउस एंड रेस्टोरेंट ये मुझे नज़र आ रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ पे खाने के लिए रेकमेंड नहीं कर सकूँगी, जैसे लोग अपने फूड ब्लॉगर्स होते हैं तो वो खाने के रेस्टोरेंट्स वगैरह करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर कहीं बाहर खाना नहीं खाया तो हम लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन मैं आपको एक एक जगह के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझा सकती हूँ, क्योंकि वी एक्सप्लोर्ड वैंकूवर, मतलब एक एक जगह हम लोगों ने वैंकूवर की एक्सप्लोर की है, कुछ चीज़ बची नहीं है, तो वो मैं आपको एक एक बता दूँगी अच्छी तरीके से। दिस इज़ अवर फर्स्ट डे, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हम लोगों का ये डे स्पेंड हुआ माशाल्लाह से। हम लोग ने काफ़ी जगह एक्सप्लोर कर ली एक ही दिन में। होप गए, आप वॉल्यूम चेक कीजिए म्यूज़िक का, ये वॉलमार्ट की पार्किंग है, लेकिन महसूस हो रहा है तारिक रोड पर हूँ मैं। कल कहाँ जाना है देखते रहिए।